आगे देखिए आफेल, इसे डोमिनो पता ही नहीं कहाँ है। Okay, so hey guys, a very good morning and welcome back to the channel again. And a very good morning from Tezu. I think ये first time हम लोग तेजू आए हुए हैं. ये होटल का टॉप व्यू है. आई रियली डोंट नो कैसा व्यूज आ रहे होंगे, बट हाँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ना, वी विल बी गोइंग अप टिल डोज माउंटेन्स टुडे. सारा माउंटेन रेंज है, तो दिस इज द लास्ट प्लेन्स है. यहाँ से 15 किलोमीटर आगे जाएंगे पूरा पहाड़ स्टार्ट हो जाता है. एंड हम लोगों ने अभी सुबह थोड़ा बहुत ऐसे ही वर्कआउट नहीं बोलेंगे इसको, हाँ, थोड़ा सा जंपिंग जैक्स और थोड़ा सा फ्री हैंड कर लिया है, सच दैट ऑल द जॉइंट्स कैन ओपन अप. और एक कैमरा के सामने एक बार बोलो ना, गुड मॉर्निंग. ये सब करना पड़ता है. तो बाकी सब कुछ बढ़िया है, बाकी टाइम लैप्स आप लोगों ने देख ही लिया है. वो सूरज यहाँ से निकला फिर दोबारा से अंदर घुस गया बादलों के अंदर. बट आई होप कि सुबह दिन में मतलब धूप आ जाएगा. आई रियली डोंट नो, बट जो भी है होप कि आ जाए, बिकॉज नहीं तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है. अभी फ़िलहाल यहाँ पे प्लेन्स पे तो ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन नहीं ऊपर हाइट पे ठंड होगा. रूम नंबर 103 एंड रूम नंबर 102. तो रूम नंबर 102 अपने लॉन्डो का है और रूम नंबर 103 मेरा और सागर का था. तो दिस इज द व्यू ऑफ द रूम. हाँ, ऐसा ही था, बढ़िया ही था, मतलब कोई दिक्कत नहीं है. बजट टाइप पे ठीक है. सो इट टुक अस अराउंड कितना, 500 का नहीं, 500 रुपये लिया दिस पर्टिकुलर रूम. इसमें अटैच लेटरिन बाथरूम नहीं है, वो बाहर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है. शिवम करके एक होटल था. तो आप अगर तेजू में आते हो कभी, अगर यहाँ पे जा रहे हो मतलब टुवर्ड्स हाईलुंग एंड डोंग वैली, तो फिर आप ऐसे इस वाले होटल में आके स्टे कर सकते हो. मतलब इट्स अ गुड काइंड ऑफ ए बजट काइंड ऑफ ए होटल. तो गाइस, ऐसे ही ना सारे बाइक्स पार्क्ड थे. तो ये जो कॉरिडोर है ये होटल का ही है. और अभी जो है सबसे सबसे तकलीफ वाला काम, सारा बैग, सारा लगेज को जो है आपका बाइक पे पैक आउट करना है. सो गाइस, कोल्ड स्टार्ट वगैरह हो रहा है. तो दीज आर द सिक्स मशीन्स, सिक्स बाइक्स टू बी प्रिसाइज, जो हमारे साथ इस डोंग वैली का जो एक्सपीडिशन है वो कंप्लीट करेंगे. डोमिनो 250, RS 200, RS 200, NS 200 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ए स्कूटी, दैट इज एंटॉक 125. सो गाइज, दिस वॉज द होटल, होटल शिवम. होटल का रूम तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है. हाँ, बाकी ये सब कुछ ये बढ़िया था. ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. ये हमारे सागर भाई फुल्ली लोडेड, फुल्ली. और ना ऑल इंडिया राइड मैं बोले कैसे निके. बाकी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द क्लॉक टावर ऑफ तेजू. कल मैंने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी छोड़ा था कि ये कहाँ का है, लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए. बहुत सारे लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, सही है. हाँ, ऐसे ये भी टाउन सही है, छोटा सा टाउन है, बट हाँ बढ़िया है. हिल रोड स्टार्ट्स, ड्राइव केयरफुली.
ओके हो गया, हिल रोड स्टार्ट हो गया। ओ यहाँ तक तो आए थे रे, हवा कैंप टीसीपी नगर। हार्ड वर्क इज द इन्वेस्टमेंट, वैसे ये होना चाहिए था इन्वेस्टमेंट ए मैन कैन मेड। तो गाइज इस वाले लोकेशन से आपको जो है नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट नहीं मिलेगा बोल सकते हैं। वो और एक फ़ोटो भी मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है, अगर आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हुए हैं तो फिर आके इंस्टाग्राम में जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम हैंडल नीचे आ रहा होगा, वहाँ पे अपन लोगों की भाइयों वाली बातचीत होती रहती है। हम लोग उड़ा रहे हैं ड्रोन, ठीक है, ये पंक्ति चाहिए। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग, GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग, GoPro GoPro। सो गाइस दिस इज द लोहित व्यू पॉइंट, लोहित का व्यू पॉइंट है और यहाँ पे अपन लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा अपने पंछी को उड़ा देते हैं बिकॉज व्यू बहुत ही ज्यादा ऑसम है और एक बार आप लोगों को देखना जरूर चाहिए। सो ड्रोन शॉट स्टार्ट्स इन 1 2 3। ये वाले साइन बोर्ड का मतलब है कि आगे एक ब्रिज है, अभी आज मेरे को पता चला, अब कितना आगे है वो नहीं पता है लेकिन एक ब्रिज जरूर है आगे। ये हम है, ये पास है और ये हमारे राइडर्स है। अच्छा इट्स अ वुडन ब्रिज, ये वुडन ब्रिज है। ओ वाओ ऑसम ऑसम। एंड दैट वाज द ब्रिज जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत फोटो सेशन कर लिया है। अगर वो पिक्चर्स अगर आप लोगों को देखना है तो फिर आप लोगों को इंस्टाग्राम में आना पड़ेगा, पिक्चर्स स्टोरीज रील सब कुछ चलता रहता है इंस्टाग्राम में। ओ भाई साहब ये प्योर ऑफ रोडिंग हो गया अभी। मोदी जी यहाँ पे रास्ता बनाना बाकी है। ओ भाई हाँ वो पहले वो वाला ब्रिज था हैंगिंग ब्रिज, लेकिन अभी उसको बदल के ये वाला ब्रिज कर दिया, वहाँ से पानी आता है, अभी तो सूखा टाइम है लेकिन पानी वहाँ से आता है पूरा भर भर के। ओह भाई साहब ओ ये क्या है, ये छोटू सा वाटर क्रॉसिंग मिल गया अपने को, ये छोटू सा वाटर क्रॉसिंग। जुआ जुआ जुआ
बढ़िया ज्यादा तेज है ना दिस इज अ हैंगिंग ब्रिज हवा टायर रूम पर भोली से ये ओपले आई है जबे सबसे आगे से मैं हवा इतना ज्यादा तेज है तो पूरा ब्रिज ऐसे 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 झूल रहा है ओके तो ये हाइलुंग से पहले वाला चेक पोस्ट है यहाँ पे अपने को पासेस दिखाने पड़ेंगे ओके आगे देखिए आफेल पीछे डोमिनो पता ही नहीं क्या है One eternity later. और ये है द लास्ट पेट्रोल पंप ऑफ द ईस्ट इंडियन ऑयल का लास्ट पेट्रोल पंप है दैट इज इन खुपा भैया ये लास्ट पेट्रोल पंप है लास्ट है ओके तो सब्सक्राइबर नंबर 1, 2, 3 तीन सब्सक्राइबर मिल गए आपका नाम बताइए शिवाई लुटियांग आपका
संजना वायंग आपका आप लोग सब यहीं से कुपा से आप तेजू से है ना चलिए ठीक है आप लोग ब्लॉग में आ गए आप देखना आएंगे ठीक है बाय 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 पता नहीं हमारे लौंडे बहुत पीछे छूट गए हैं पार्थ वो है पार्थ पार्थ गया था एक बार ढूंढने के लिए उनको कहाँ है लेकिन मिल ही नहीं रहे आई थिंक हाँ वो लोग हैं केस की हाँ डोमिनो गुड क्या हम लोग का पता नहीं और 99 किलोमीटर है यहाँ से ओ भाई साहब ये तो एकदम सेम टू सेम आनीनी जैसा रोड है पूरा पाउडर वाला वो 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 भयंकर ऑफ रोडिंग है गाइस কেবল গিয়ে লিবাটো বেকা হৈ গ'ল অঁ কেলা ধাম ধুম য'তে ত'তে পৰিয়ে থকা যে সো গাইজ আজ ভি হম লোগ ৱালং নেহি পহঁচ পায়েংগে হ্যাঁ ও ফিক্সড হে आज भी हम लोग वालोंग नहीं पहुंच पाएंगे आज हम लोग रुकेंगे हवाई में सो गाइज अभी फिलहाल पता नहीं कौन से लोकेशन पहुंचे हैं आगे जैसे आप देख सकते हो रोड कटा हुआ है मतलब रोड कटिंग चल रहा है सो दैट इज़ द रीज़न हम लोग आगे जा नहीं सकते अभी फिलहाल अभी रोड ब्लॉक है थोड़ी देर में शायद रोड खुलेगा तो फिर हम लोग आगे जाएंगे वालोंग आज नहीं पहुँच सकते पॉसिबल ही नहीं है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मतलब रोड है ख़तरनाक इन द सेंस कि आपका बहुत सारे रोड पे ही रूढ़ियाँ गिरी हुई है मतलब अगर आप थोड़ा सा भी अगर गलत चलाएंगे या ब्रेकिंग अगर गलत करेंगे तो फिर तो दिक्कत है एंड आज का स्टे हवाई रहेगा देखते हैं कहाँ तक कितनी जल्दी हवाई तक पहुँच पाते हैं अभी फ़िलहाल सिर्फ यहाँ से पार्ट है और आगे सागर है हम लोग बस तीन बंदे ही यहाँ तक पहुँच पाए हैं पीछे पीछे पोलव देन डेनिम एंड मानस अभी वो लोग तीनों पीछे हैं लेट्स सी कितना जल्दी वो लोग पहुँचते हैं सागर किबा कोबा हम लोग आज हवाई में ही रुकेंगे वालंग में ही पहुँच सकते हैं पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल नहीं है मतलब वो फट गया क्या फट गया मालूम अंडर एस्टिमेट कर लिया पता है फट गया हम लोग सुबह से अंडर एस्टिमेट कर लिया मतलब कि हम लोग ना वो टाइम लेकर आए हैं ना वो रिस्क नहीं लेना चाहते ठीक है अभी वो लैंडस्लाइड भी हो रहा है रास्ता भी बना रहा है आगे रास्ता बना रहा है और ये देखिए ये एकदम पूरा खड़ा कटाई चल रहा है सो गाइस अभी फिलहाल हवाई में है और सो गाइस मेरे साथ है सागर हम दोनों जो है होटल ढूंढ रहे हैं ढूंढते ढूंढते एक लोकेशन तो मिला है और बाकी सारे जो अपने चार लौंडे हैं वो तो अभी तक कौन से वो शायद अर्बन करके एक 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 लॉज है वहाँ पे जाके रुके हुए हैं टेंट लगाएंगे ऐसे ही बात कर रहे हैं लेकिन अभी पता नहीं क्या सीन होगा और आप जैसे देख सकते हो ये मेरा ठुप्पा आ गया है तो चलिए मैं इसको फिनिश अप कर रहा हूँ क्योंकि सुबह से कुछ नहीं हुआ है ब्लॉग एंड करने वाले थे बस और ये सागर मतलब भयंकर यहाँ से हंसे जा रहा है क्या सीन है मतलब सीन क्या है तो गाइज जैसे तैसे करके अपन हवाई तक पहुंच चुके हैं वैसे लोकेशन हम लोगों का पहुंचने वाला था वालोंग तक लेकिन वालोंग तो नहीं पहुंच पाए तो जैसे तैसे करके हवाई पहुंचे और ये है कौन सा बंगलो इंस्पेक्शन बंगलो राइट
तो आईबी बोलते हैं यहाँ पे। हाँ तो आईबी में मतलब इंस्पेक्शन बंगलो पे आके हम लोग यहाँ पे रुक गए, और दिस इज द आवर वीआईपी सुइट। यहाँ पे मतलब तो वीआईपी सुइट बोलते हैं, तो ये पीडब्ल्यूडी के अंदर है। तो यहाँ पे अपने को मिल गया, यहाँ पे जो ये टोटल रूम है हम लोग तीनों शेयर कर रहे हैं, सागर, डेनिम एंड मी। सो और ये रूम 1000 रुपीज़ में अपने को मिल गया है। तो गाइज ये वीडियो अगर आप लोगों ने यहाँ तक अगर देखा है, अगर वीडियो देख के थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा देन लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। अगर ज़्यादा अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड देन अप टिल देन सी यू इन अ वेरी नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड लिव योर ड्रीम्स। बाय 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 बाय।